हसरते हैं और क्या है। जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं रोता नहीं। हसरते मेरे वो जिस दिन मेरे साथ ठीक से पेश नहीं आएंगे ना, उसी दिन मैं जहर खाकर मर जाऊं। मुझे डॉक्टर से कुछ पूछना है। क्या पूछना है? यही कि सुषमा यहाँ क्यों आई थी। वो भी प्रेग्नेंट है लेकिन अबॉर्शन कराना चाहती है। मैं समझती हूँ कि पति के बुरे वक्त में पत्नी को उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि विशाल का चाहे कुछ भी हो लेकिन तुम्हारे बुरे दिन कभी खत्म नहीं होने वाले। मिस्टर गोरड़िया, इस साल हमारे फैक्ट्री के कैलेंडर पर मुझे पेड़ पौधों के फोटोग्राफ्स बिल्कुल नहीं चाहिए। कोई नई डिजाइन आप बनवाइए। हाँ, अरे हमारे आर्टिस्ट और फोटोग्राफर से कह दीजिए कि हमारे कैलेंडर का हर एक पन्ना कैलेंडर की तारीख में एक मिसाल बन जाए। बस करो, मुझे फोन करना है। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, ये तुम्हारी हाँ हाँ नहीं नहीं ऑफिस में जाके नहीं हो सकता है। अरे नहीं, उस फोटोग्राफर को आप मेरे पास ले आइए। हाँ, अब बस भी करो ना, मुझे फोन करना है, मैंने कहा। चुप रहो ना मिस्टर गुरड़िया, ये आपके लिए नहीं था, आप बोलते रहिए। अरे क्या बोलते रहिए, तब से तो बोल रहा है। रखो फोन, मुझे सावी को फोन करना है। मिस्टर गुरड़िया, बाकी का डिस्कशन हम दफ्तर में करेंगे, ठीक है? ओहो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं जब दफ्तर में फोन कर रहा हूँ तब मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। अरे तो मुझे सावी को फोन कर रहा है ना। अरे ऐसी क्या जल्दी है सावी को फोन करने की? अरे सावी की डिलीवरी नजदीक आ रही है, मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ आ जाए। क्यों, उसकी डिलीवरी वहाँ नहीं हो सकती? माँ बनने के लिए हर बेटी मायके जाती है। ये तो तभी हो सकता है जब मायके में किसी को माँ बनने का अनुभव हो। ये कहने की क्या जरूरत थी? अरे डिलीवरी का मामला है, सावी की डिलीवरी किसी एक्सपीरियंस्ड औरत की देखरेख में होनी चाहिए। अरे हमारे फैक्ट्री में भी जब प्रोडक्शन जो होता है ना, उसकी जिम्मेदारी हम किसी नए आदमी को नहीं सौंपते। हाँ, हर औरत पैदाइशी माँ होती है, कोई जरूरी नहीं कि वो बच्चा जले। और रही एक्सपीरियंस की बात, तो ये क्या कम है कि 20 साल से मैं एक बच्चे की परवरिश कर रही हूँ? किसकी परवरिश कर रही हो तुम? ये भी बताना पड़ेगा तुम्हें। नमस्ते बुआ जी। हाँ एक मिनट, सावी, सावी बुआ जी का फोन। हाँ कैसी हैं आप? हाँ मैं अच्छा। हाँ जी, क्या कह रही है शामू? आराम से, आराम से। हाँ। बुआ जी बात करना चाहती। हेलो बुआ। हेलो सावी, कैसी हो मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और फूफा जी? अच्छी हूँ, वो अभी अभी गए हैं फैक्ट्री। अच्छा ये बताओ, तुम डिलीवरी के लिए कब आ रही हो? कहाँ? कहाँ मतलब क्या? अरे यहाँ तुम्हारे मायके। एक मिनट शामू, बुआ जी डिलीवरी के लिए मुझे अपने यहाँ बुला रही हैं। हेलो बुआ, कब आऊँ मैं? कल आ जाओ। कल? शामू वो मुझे कल से ही बुला रही हैं, मैं जाऊँ ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर जा सकती हो इतनी जल्दी। तो फिर तुम ही बताओ ना कब जाऊँ मैं। बताओ। मत जा। बुआ श्यामू कह रहा है कि मत जाओ। उसे फोन दो, मैं बात करती हूँ। एक मिनट, लो बुआ जी से बात करो। हेलो बुआ जी। दामाद जी, क्यों नाटक कर रहे हो? अरे मैंने आज तक एक भी आदमी नहीं देखा जो बीवी के मायके जाने पर खुश ना हो। अरे फिर से बैचलर्स लाइफ जीने का मौका जो मिलता है उन्हें। बुआ जी आपको मालूम नहीं मैं सावी को कितना चाहता हूँ। तो ठीक है, आप भी आ जाइए उसके साथ। ठीक है बुआ जी, मैं सावी को भेज देता हूँ, लेकिन कल नहीं। तो फिर? एक हफ्ते के बाद। जी ठीक है ना बुआ? हाँ ठीक है। लेकिन जितना जल्दी आ जाओगी
तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। ओके बुआ, मेरी अच्छी बुआ, बाय। अब तो खुश हो ना तुम? सावी, तुम्हारी जुदाई का ख्याल ही मुझे सहन नहीं हो रहा है। तो फिर जैसे बुआ जी ने कहा, तुम भी चलो मेरे साथ। झूठे कहीं के। क्यों, क्या किया मैंने? खामोखा परेशान होने का नाटक कर रहे हो। अंदर से तो लड्डू फूट रहे होंगे ना कि मैं जा रही हूँ। सावी, तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? सुना नहीं तुमने बुआ जी ने क्या कहा? तुम्हें तो बैचलर्स लाइफ जीने का एक बार। किसे जीना है बैचलर्स लाइफ दोबारा? सावी, बहुत जी लिया, तंग आ गया हूँ उस लाइफ से। दस साल अकेला था सभी, इतनी छोटी सी रूम में रहता था। मेरे उस बैचलर्स लाइफ के दौरान ना कोई मेरा रूम पार्टनर, ना स्क्रिप्ट का धुआं, ना दोस्तों की महफिलें, ना गर्लफ्रेंड। फिल्म में सभी इतनी नीरस बैचलर्स लाइफ शायद ही किसी ने जी। दिन में कड़ी मेहनत और रात में उदास अकेलापन, इसके अलावा कुछ नहीं था मेरे जीवन। सच कहता हूँ, मेरे जीवन में से वहां के जाने के बाद सुकून तभी रहता जब हमारी शादी हुई। श्यामू, मैं बुआ जी के यहाँ नहीं जा रही। जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, और ये तुम्हारा हक भी बन रहा है। सभी प्लीज, कभी ये ना सोचना कि तुम्हारे बिना मैं खुश नहीं। अनीता, मैं तुमसे कुछ सलाह करना चाहता हूँ। किस बारे में सर? प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी के बारे में? मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रेग्नेंट औरत को किस महीने में मायके जाना चाहिए। दैट डिपेंड्स सर। ऑन व्हाट? जैसे मैं जब पहली बार माँ बनने वाली थी तो मम्मी ने मुझे सातवें महीने में बुला लिया था। अच्छा। और दूसरी बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मम्मी ने मुझे आठवें महीने में बुला लिया था। और तीसरी बार कब बुलाया? तीसरी बार नहीं बुलाया था सर। क्यों? उस वक्त मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे सर? क्योंकि हमारे यहाँ भी कोई प्रेग्नेंट है। हेलो, हाँ मिस्टर गोरडिया, फोटोग्राफर आ गया? हाँ, उसे अंदर लेकर आओ। सर मैं जाऊँ? नहीं 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 नहीं, एक और सवाल। औरत जब डिलीवरी के लिए मायके जाती है तो मायके वाले उसके लिए क्या करते हैं? मेरे डैडी ने तो मेरे ढेर सारे फोटो खिंचवाए थे सर। दैट्स अ गुड आइडिया। आइए आइए सर। ये है मशहूर मॉडल फोटोग्राफर श्री कैमरा वाला। हमारे कंपनी के कैलेंडर यही कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। मिस्टर कैमरा वाला, सबसे पहले आपको एक प्रेग्नेंट वुमन के फोटोग्राफ निकालने हैं। यस सर। अनीता, यू मे गो नाउ। यस सर। बैठिए मिस्टर कैमरा वाला, बैठिए। हाँ जी। आपने कभी प्रेग्नेंट वुमन के फोटोग्राफ्स निकाले? अरे हाँ, जिस तरह से गोविंद जी प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बारे में पूछताछ कर रहे थे, मुझे तो पूरा यकीन हो गया कि वो बाप बनने वाले हैं। इस उम्र में? मर्द तो किसी भी उम्र में बाप बन सकता है, और फिर ये तो उनका पहला बच्चा होगा। मिस्टर कैमरा वाला, कैलेंडर की ये डिजाइन मेरी तरफ से ओके है। बाकी की बात आप मिस्टर गरोड़िया से कर लीजिएगा। राघव। यस मैडम। सामने की दुकान में जाओ और बड़ा सा बुके लेके आओ। बुके किसके लिए मैडम? अरे अपने साहब के लिए, बाप बनने वाले। क्या? बाप बनने वाला? पंडित जी, साहब बाप बनने वाले? सच? तो फिर मिठाई कहाँ है? मिठाई। इस औरत के अलग अलग एंगल से आपको फोटोग्राफ्स लेने। ये औरत अगले हफ्ते माइक के जाने के लिए ड्यू है। इससे पहले सारे के सारे फोटोग्राफ्स मुझे मिल जाने चाहिए। दो दिन में दे दूंगा सर। अरे अरे, आप लोग सब अंदर क्यों चले आए? आपको बधाई देने सर। कांग्रेचुलेशन सर। अभिनंदन सर। मुबारक हो सर, मुबारक हो। बधाई हो, बधाई हो सर, बधाई। कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन। अरे हाँ भाई, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये बधाई किसके लिए? आप मेरे मुंह मीठा कर दीजिए सर। सर हमने तो आपके तरफ से मिठाई भी मंगवा ली है सर। पूरे 500 रुपए की है सर। ये रहा बिल। 500 रुपए की मिठाई? इतनी अच्छी खबर के सामने 500 रुपए की क्या कीमत है सर? ठीक है ये लो 500 रुपए।
थैंक यू सर। अब तो बताओ कि ये बधाई किसके लिए? पहले आप मुंह मीठा कीजिए सर। थैंक यू थैंक यू। अब तो बताओ ये सब किस खुशी में है? अब बाप जो बनने वाले सर। क्या कहा? फिर से कहो। अब बाप बनने वाले है ना? किसने कहा? अनिता ने। सर अभी अभी तो आप कह रहे थे कि आपके घर में कोई औरत प्रेग्नेंट है। अरे वो मैं अपनी भतीजी की बात कर रहा था इडियट। क्या? सावी बुआ के वहाँ जाने से पहले तुम्हें एक बार मेरे घर आना होगा। पानी पूरी खाने? नहीं, मेरी सास जी आ रही है उनका आशीर्वाद लेने। आपकी सास जी जिंदा है? हाँ लेकिन अच्छी है इसलिए उनके जिंदा रहने से मुझे कोई आपत्ति नहीं। कहाँ रहती है वो? उनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। 2-2 महीना बारी बारी सबके यहाँ रहती है और 2 महीना गांव में, इसीलिए सभी बहुओं को बड़ी प्यारी है। और ससुर जी? 2 साल पहले उनका देहांत हो गया था। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। अच्छा? ससुर जी के गुजर जाने के बाद हमारी सास जी ने एक वक्त का खाना ही छोड़ दिया। अब वो सिर्फ दोपहर का खाना खाती हैं और उस वक्त वो भी आते हैं। कौन? हमारे ससुर जी। लेकिन वो तो गुजर गए ना? वो आते हैं कौवे के रूप में। हमारी बालकनी में आता है रोज दोपहर को। सास जी पहले उसका खाना लगवाती है और फिर अपना। कौवा खा के चला जाता है, फिर सास जी इत्मीनान से खाना खाती है। एक्सक्यूज मी जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो अब आप कहाँ से बोल रहे हैं? क्या है कि नॉर्मली कोई फोटोग्राफर को अंदर आने से मना नहीं करता ना, इसलिए जरा मैं। देखिए हमने किसी फोटोग्राफर को नहीं बुलाया। नहीं नहीं मैं बुलवाया हूँ नहीं, मैं भिजवाया गया हुआ फोटोग्राफर हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए आप दोनों में से प्रेग्नेंट कौन है? फोटो खींचने का काम करते हो? हाँ। और देख नहीं सकते? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी। हाँ क्या आप ही मिसेस वर्मा है? जी हाँ, लेकिन आप? मैं मॉडल फोटोग्राफर, मिस्टर कैमरा वाला। वो क्या आपके फूफा जी है ना, वो सेठ गोविंद जी। हाँ। उन्होंने मुझे भेजा है आपका फोटो सेशन कराने के लिए। उन्होंने मुझे ये चिट्ठी भी दी है, देखिए। आपका पता और मेरा नाम कैमरा वाला। एक मिनट मैं जरा फोन करती हूँ। अच्छा श्यामू, वो फूफा जी ने एक फोटोग्राफर भेजा है मेरी फोटोग्राफ्स खींचने के लिए, मैं क्या करूँ? उसे कहो किसी छुट्टी के दिन आ जाए, तुम अकेली हो। नहीं नहीं वैसे तो शांता बेन है मेरे पास। हाँ मैं हूँ प्रोफेसर, मैं हूँ। ओके गो अहेड, लेकिन सावधान रहना। हाँ बिल्कुल, शाम को जल्दी आ रहे हो ना? हाँ हाँ मैं शाम को जल्दी भी आ रहा हूँ और 2-4 दिन की छुट्टी भी ले रहा हूँ। यस डाली यस। प्रोफेसर बल्ला, प्रोफेसर शाम छुट्टी पर जा रहे हैं। आपको किसने बताया? अभी अभी मैंने अपने कानों से सुना है, अपने किसी डार्लिंग से बोल रहे थे फोन पर। मिस लाल, किसी का प्राइवेट कॉन्वर्सेशन सुनना बुरी बात है। प्राइवेट कॉन्वर्सेशन? वो भी पब्लिक टेलीफोन पर हो रहा है? फिर भी शरीफ लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ। भाई श्याम, सुना है कल से तुम छुट्टी पर जा रहे हो? तुम्हें किसने बताया? बताया है किसी ने। समझ गया, तो ये बात सच है कि दीवारों के भी कान होते हैं। क्या तुम्हें दीवार हूँ? अरे वाकई मैं कल से छुट्टी पर जा रहा हूँ। कोई खास वजह है? मेरी बीवी अपने मायके जा रही है अगले हफ्ते डिलीवरी के लिए। इतनी जल्दी? अभी तो 8वां महीना ही चल रहा है। देखा, मिस बिलाल के पास तुम्हारा सारा अकाउंट है। भगवान करे इनका अकाउंट भी जल्दी खुल जाए। तो तो आती है। अरे मालूम है मुझे। हाँ। ओके रेडी? हाँ। चलो। हटो। अरे तू मुझे मालूम है। हटो ना फिर तू। हाँ मैं लेता। चलो। रेडी रेडी या स्माइल। सावी अब तुम यहाँ बैठो और स्वेटर बुनने का पोज दो। ऐसे ऐसे ठीक रहेगा?
अरे ठीक रहेगा, मैं कहती हूँ ना फोटो वाला। अरे फोटो वाला नहीं, कैमरा वाला। एक ही बात है, चलो अब इस एंगल से फोटो लो। हाँ, क्लोजअप लूँ या फुल फिगर ये भी बता दीजिए आप। क्लोजअप में स्वेटर आएगा? नहीं आएगा। तो मुझे ये बताइए यहाँ पे फोटोग्राफर कौन है, मैं या आप? अच्छा मिस्टर कैमरा वाला, अब जल्दी तो कीजिए, इतनी देर में तो मेरा स्वेटर पूरा हो जाएगा। नहीं नहीं एक मिनट मैडम, लेता हूँ एक मिनट। रेडी मैडम? रेडी हाथ यू रखना जरा। अब आप क्यों मुस्कुरा रही है, फोटो मैं उनकी ले रहा हूँ ना। कैप निकालो। अब मेरी कैप के पीछे क्यों पड़ी है? कैमरा की कैप निकालो। सॉरी। रेडी मैडम? रेडी है। वन मोर मैडम प्लीज। अभी वो जो गहना है वो ही मुझे रात में। रेडी मैडम, अब मैं टॉप एंगल से फोटो लूंगा। टॉप एंगल वाले, टॉप एंगल से फोटो लोगे तो सामने का कब्रस्तान फोटो में आएगा। अब ये फोटो सेशन यही खत्म करते हैं। मैडम सिर्फ दो ही बचे, प्लीज। नहीं, हो गया फोटो सेशन। हाँ, अब ये बताओ ये फोटोग्राफ्स हमें मिलेंगे कब? दो दिन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। तुम ये अचानक गंभीर क्यों हो गई? वो शांता बेन, कब्रिस्तान का जिक्र आते ही मन कुछ उदास हो गया। क्यों? श्यामू कह रहा था कि वहां किसी हाइसेंथ परेरा नाम की औरत की कब्र है जिस पर लिखा है एज यू आर नाउ So once was I. Prepare for death and follow me. जिसका अर्थ है कभी मैं भी जिंदा थी तुम्हारी तरह, लेकिन तैयार रहना मौत के लिए और मेरे पीछे पीछे चले आना। सुनो। कहो। मैं कल सावी के घर जाना चाहती हूँ। अरे तुम क्यों जा रही हो, वो मायके आएगी ना। ओफो, मुझे उसकी कुछ फोटो खिंचवानी है। फोटो? हाँ, गर्भवती अवस्था में फोटो खिंचवा के मैं उसे फ्रेम करके रखूंगी। आइडिया बहुत अच्छा है। तो जल्दी से कोई अच्छे फोटो स्टूडियो का नाम बताओ। माधवी, फर्ज करो कि मैं किसी अच्छे फोटोग्राफर को सावी के घर भिजवा दूं तो? अरे तब तो मैं कहूंगी कि तुमने जिंदगी में पहली बार कोई समझदारी का काम किया है। सच कह रही हो? सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो मंदिर जाकर फूल भी चढ़ाऊंगी। एक मिनट। ये लो फूल तैयार हैं, मंदिर में जाकर चढ़ाओ। दफ्तर वालों ने दिए 500 रुपए में। है? मैं कुछ समझी नहीं। अरे समझदारी का काम मैं कर चुका। क्या कह रहे हो? सावी का फोटो सेशन भी हो गया, कल परसों तक तो उसके फोटोग्राफ भी आ जाएंगे। क्या है सावी? शाम मेरे फोटोग्राफ्स आ गए। अच्छा? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। क्यों? तुम मत देखना, अच्छे नहीं है। तब तो मैं जरूर देखूंगा। मत देखो ना। देखो तो।
गुड वेरी गुड। शामू शामू ये मत देखना प्लीज। बहुत अच्छी है ये भी नहीं मत देखना, ये देखकर तुम हंसोगे। उसमें देखो ना मेरा पेट। वेरी गुड। जानते हो शांता बेन ने सारे गहने पहनवा कर मेरे फोटो खिंचवाए और इतने सारे गहने देखकर तो फोटोग्राफर की आंखें फ्लैश चलने से पहले ही चकाचौंध हो गई। क्या बात है श्यामू, तुम उदास क्यों हो गए? नहीं ऐसी बात नहीं है, ये फोटोग्राफ्स में तुम कितनी फनी लग रही हो। अगर मुझे पता चलता कि तुम प्रेगनेंसी में इतनी कॉमिक लगोगी तो मैं इस सेंटर में पढ़ता ही ना। नहीं श्यामू सच बताओ, ये फोटोग्राफ्स देखकर तुम्हारी आंखें नम क्यों हो गई? श्यामू कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं वापस नहीं आऊंगी? डिलीवरी में कहीं मुझे कुछ कुछ नहीं होगा तुम्हें, ऐसा मत बोलो प्लीज। तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? सच बताऊं, ये तस्वीरें जिनमें तुम गहने पहनी हो वो देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। उस वक्त मैं 8 साल का था। हम लोग बहुत करीब, मेरे पिताजी सोशल वर्कर थे, रोटी रोटी के लिए मोहताज थे हम लोग। मेरी माँ के सारे गहने एक एक करके देखे। एक दिन पड़ोस में किसी की शादी में पहनने के लिए माँ अपनी सहेली के पास से रिंग्स मांग कर ली। ये बात जब पिताजी को पता चली तो वो इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने माँ के कान से इयररिंग्स नोच नोच कर उतार दी। माँ दर्द के मारे रोने लगी, उसके कानों से खून बहने लगा। साथ उसी दिन मैंने तय कर लिया कि जिस दिन मेरी नौकरी लगेगी तो अपनी पहली तनख्वाह में से मैं अपनी माँ के लिए इयररिंग्स लेकर आऊंगा। लेकिन मेरी नौकरी लगी उससे पहले मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। श्यामू मैं ये सारे फोटोग्राफ्स भोपाल जी को वापस कर दूंगी।